प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर लगाया तिरंगा। सभी देशवासियों से की हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की पड़ोस प्रथम नीति में मालदीव का अहम स्थान। हिंद महासागर में मालदीव भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मंदी के दौर में जाने की आशंका को किया खारिज। कहा, कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन में आ रही परेशानियों के बावजूद भारत है दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में 12 जगहों पर मारे छापे। इस संबंध में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से की गई थी पूछताछ। देश में 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी संपन्न। 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बिका स्पेक्ट्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सलेह के बीच हुई वार्ता। साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए समझौते। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका को मिली बड़ी कामयाबी। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का चीफ जवाहरी। 14 वर्ष की उम्र में बना था मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य। अब खबरें खेल जगत से। राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में विजय कुमार यादव ने पुरुषों के 60 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता।